नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। मैं शाना परवीन, रुख करते हैं खबरों की ओर। गुजरे एक बरस में कोविड की महामारी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि निश्चित रूप से यह कह पाना मुश्किल है कि इसका प्रकोप अभी कितने दिन और रहेगा। इस महामारी की दूसरी लहर और ऑक्सीजन की कमी से टूटती सांसों ने फेफड़ों की सेहत दुरुस्त रखने की जरूरत नए सिरे से बताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो धूम्रपान करके अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को कोविड की गंभीरता और इससे मौत का जोखिम 50% ज्यादा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस 28 मई को जारी एक विज्ञप्ति में कहते हैं कि धूम्रपान करने वालों में कोरोना की गंभीरता और इससे मौत होने का जोखिम 50% तक ज्यादा होता है, इसलिए कोरोना वायरस के जोखिम को कम करने के लिए धूम्रपान छोड़ देने में ही भलाई है। धूम्रपान की वजह से कैंसर, दिल की बीमारी और सांस की बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। इस संबंध में नारायणा अस्पताल गुरुग्राम में कंसल्टेंट एंड सर्जन हेड एंड नेक ऑनकोलॉजी डॉक्टर शिल्पी शर्मा बताती हैं कि आज के दौर में जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें कोविड महामारी को इस लत को छोड़ने के एक और कारण के रूप में देखना चाहिए। उन्हें कोविड की गंभीरता से जूझ रहे फेफड़ों की क्षमता खो रहे मरीजों के बारे में जानकारी लेकर स्वस्थ फेफड़ों के महत्व को समझना चाहिए और अपने फेफड़ों को इस धीमे जहर से बचाने का प्रण लेना चाहिए। एक्शन कैंसर अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट हेड एंड नेक ब्रेस्ट एंड थोरेसिक ऑनको सर्जरी यूनिट डॉक्टर राजेश जैन के अनुसार कोविड या फेफड़ों से संबंधित किसी भी संक्रमण के संदर्भ में सबसे पहले यह समझे कि फेफड़े जितने स्वस्थ होंगे संक्रमित व्यक्ति की ठीक होने की क्षमता भी उतनी ही होगी। ऐसे में जाहिर है कि धूम्रपान करने वाले लोगों के फेफड़े तुलनात्मक रूप से कमजोर होंगे और कोविड संक्रमण के बाद होने वाले गंभीर निमोनिया का अधिक जोखिम होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक डॉक्टर सोनाक्षी का कहना है कि कोई भी लत छोड़ने के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार करना सबसे पहला कदम है। वह इस बुरी लत को छोड़ने के इच्छुक लोगों को कुछ छोटे छोटे उपाय बताती हैं। उनके अनुसार एक समय में एक सिगरेट ही खरीदें, एक बार में पूरी सिगरेट पीने के बजाय आधी पीकर बाकी छोड़ देने की आदत डालें। इसे छोड़ने की कोई तारीख निश्चित कर लें या फिर शुरू में सप्ताह में एक दिन ना पीने का प्रण लें और धीरे धीरे एक से दो दिन और फिर दो से तीन दिन पर आ जाएं। इन उपायों के अलावा निकोटीन च्युइंगम चबाना भी तंबाकू की तलब नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। दिल्ली मधुमेह अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर ए.के. झिंगन इस संबंध में बताते हैं कि धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए कोविड 19 के अधिक घातक होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनका शरीर वायरस के हमले का प्रतिरोध नहीं कर पाता और फेफड़े कमजोर होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत अन्य लोगों से ज्यादा होती है। धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में निदेशक सर्जिकल ऑनकोलॉजी डॉक्टर अंशुमन कुमार के अनुसार कोविड महामारी के दौर में पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक अतिरिक्त समस्या के रूप में उभरा है। संक्रमण से मुक्त होने के बाद धूम्रपान फेफड़ों की हीलिंग पावर यानी कि ठीक होने की शक्ति को कम कर सकता है। कोविड का नसों और मांसपेशियों पर होने वाला असर धूम्रपान के कारण और भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि तंबाकू भी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। अगर 3 इंच की तंबाकू भरी सिगरेट इतनी नुकसानदेह है तो इससे तौबा करने का विश्व तंबाकू निषेध दिवस से बेहतर मौका शायद ही कोई और हो। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।